हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एक योजना जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है PMGKY, जो कि 26 मार्च 2020 को अनाउंस किया गया था, जिसमें 1.70 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज दिया गया है, जिसके अंदर पुअर एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को दोनों को यानी कि मदद किया गया। तो क्या है ये योजना, कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी इसका, कितने मंथ के लिए ये योजना है, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो ये इस योजना का पहला जो है वो बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस योजना जो है ना, ये इस योजना में आपका 24% जो PF होता है वो 12% एम्प्लॉयर का होता है और 12% एम्प्लॉय का होता है। तो दोनों जो है यानी कि 24% जो EPF होगा वो आपको कौन सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करने वाली है, किस किस मंथ के लिए, तो ये आपको हम आगे बताएंगे। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे गरीब कल्याण योजना के तहत ये 12-12% दोनों का जो से पार्ट है वो गवर्नमेंट करने वाली है। तो आगे देखते हैं इस योजना के बारे में और कुछ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि डिसरप्शन ना हो जाए एम्प्लॉयमेंट में, लो वेज अर्निंग जो एम्प्लॉयज है उनका जॉब ना छूट जाए, सपोर्ट एक दिया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को भी और एम्प्लॉय को भी, दोनों को भी दिया जा रहा है। यानी कि ये जो योजना है इसका एलिजिबिलिटी में ये रखा गया है कि उस इस्टेब्लिशमेंट को दिया जाएगा जिसका अप टू 100 एम्प्लॉय हैं उन्हीं को दिया जाएगा। और भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो भी अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर आपको ये योजना का बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इस योजना का जो एलिजिबिलिटी है वो है फॉर इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयर के लिए। अगर एलिजिबिलिटी देखें तो एलिजिबिलिटी एम्प्लॉयर में है कि आपका इस्टेब्लिशमेंट या फिर फैक्ट्री वो रजिस्टर होना चाहिए EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अंदर, और आपका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हो वो शुड बी अप टू 100 होना चाहिए, यानी कि 100 होना चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो टोटल नंबर ऑफ 100 है उसका 90% और मोर जो है एम्प्लॉय वो आपका लेस देन 15,000 अर्न कर रहे हैं, यानी कि 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और 90% ऑफ द एम्प्लॉय जो है आपका वो अर्न कर रहे हैं लेस देन 50,000 मंथली उनका वेजेस सैलरी है, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो था इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखते हैं एम्प्लॉयज कैसे इसके अंदर बेनिफिट्स ले सकता है, इस स्कीम का एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। तो एम्प्लॉय के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप एलिजिबल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आप एम्प्लॉय होंगे तभी होगा। एलिजिबल इस्टेब्लिशमेंट हम लोग पहले दिखा कि 100 और 90% ऑफ जो उसका होगा वो लेस देन 15,000 अगर एम्प्लॉय उनका कर रहे हैं तो यानी कि ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए उसके अंदर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए फर्स्ट कंडीशन होता है। दूसरा है कि आपका अर्निंग मंथली सैलरी जो है वो लेस देन 15,000 होना चाहिए, आपका UN जो है वो आधार सीडर होना चाहिए, एम्प्लॉय जो है आपका रजिस्टर होना चाहिए 1952 में एंड EPS 1995 में, और आपका कंट्रीब्यूशन यानी कि पिछले लास्ट 6 मंथ्स में आपका ECR फाइल होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ में आपका ECR फाइल होना चाहिए और एलिजिबल इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू होना चाहिए। जिस एलिजिबल इस्टेब्लिशमेंट में आप बोल रहे हैं कि हम एम्प्लॉय हैं तो उसके द्वारा आपका ECR फाइल होना चाहिए लास्ट 6 मंथ में। ये पीरियड जो है आपका वो सितंबर 2019 से फरवरी तक का रखा गया है, ये पीरियड। और आपका जो उसमें ECR में अमाउंट होना चाहिए वो लेस देन 15,000 होना चाहिए, यानी कि 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तभी तो एलिजिबल होंगे आप। और अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर एक PMRPY प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंदर अगर बेनिफिट्स ले रहा है, जैसे PMRPY स्कीम के अंदर है कि एम्प्लॉयर का जो 12% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करता है, न्यू एम्प्लॉय अगर जनरेट करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया था, तो इस स्कीम में अगर कोई एम्प्लॉयर ले रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में एम्प्लॉयर का फिर से इस स्कीम में नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयज पार्ट मिलेगा लेकिन एम्प्लॉयर पार्ट उसका इस स्कीम में
नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में उसको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि वैलिडिटी ऑफ स्कीम, ये जो स्कीम था वो है आपका मार्च अप्रैल और मई 2020 के मंथ के लिए था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाउ टू इस अवेल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आपको पूरा जो सैलरी है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ऑल एम्प्लॉय का, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कम चलान रिटर्न ECR फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद नो डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे दे रही है, तो आप जो वेजे देंगे अपने एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर जो वेजे देगा अपने एम्प्लॉय को, वो लेस नहीं करेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन EPF का जो 12% अमाउंट बनता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे रही है, तो आप लेस नहीं करेंगे, डिडक्ट नहीं करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई 2020। आपका जो ये स्कीम है इसमें बोला गया है कि आपको एक मंथ के लिए एक ही ECR फाइल करना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत सारा ECR फाइल कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज, एक ही ECR बना के आपको फाइल करेंगे तब ये एलिजिबल इस स्कीम में आप ले पाएंगे बेनिफिट्स इसका। उसके बाद जैसे कुछ एम्प्लॉय तो 15,000 से मोर भी अर्न कर रहे होंगे, 90% मान लीजिए 5% अर्न कर रहे, 95% लेस देन 15,000 अर्न कर रहे, तो जो इन एलिजिबल एम्प्लॉय होंगे उन उसके रिस्पेक्ट में आपको कंट्रीब्यूशन जो आएगा EPF और एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर का वो पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद EDLI और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो 0.5% और 0.5% होता है वो आपको ऑल एम्प्लॉय के लिए पे करना पड़ेगा। और ये एक बात और यहाँ पे बता दें कि जैसे PMR PY में अगर आपको ये बेनिफिट्स मिला होगा, तो आप देखते हैं वो कि वहाँ पे क्रेडिट हो जाता है, यानी कि आपको रिइम्बर्समेंट नहीं ले मांगना पड़ता है, वो लेस होके ही अमाउंट नेट अमाउंट आपको आता है। तो इसमें भी वही होगा कि आपको नेट अमाउंट जो है वही पे करना पड़ेगा, इसमें भी आपको कोई रिइम्बर्समेंट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद है कि एम्प्लॉय कैसे बेनिफिशियल हुआ इस स्कीम से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय का पार्ट और एम्प्लॉयर का पार्ट पेमेंट कर दिया, तो एम्प्लॉय का पार्ट जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो एम्प्लॉय के वजह से लेस नहीं होगा, तो इसलिए एम्प्लॉय को बेनिफिशियल है और एम्प्लॉयर को भी बेनिफिशियल है। और आप देख सकते हैं कि अगर PMR PY में, हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि PMR PY में अगर मान लीजिए कवर है, तो उस केस में तो 12% जो एम्प्लॉयर का होता है वही सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ देती है, एम्प्लॉय का तो देती नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि PMR PY से आपका एम्प्लॉयर का शेयर जाएगा 12%, और एम्प्लॉय का जो शेयर हुआ वो आपका यहाँ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से आपका चला जाएगा, यानी कि दोनों को मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयर को फिर से तो नहीं मिलेगा इस स्कीम के अंदर, एक ही बार मिलना चाहिए, वैसे होना भी चाहिए वही, तो PMR PY से मिल जाएगा एम्प्लॉयर को और PMGKY से मिल जाएगा एम्प्लॉय को। मेंबर एलिजिबल फॉर ओनली PMGKY, बोथ शेयर बेनिफिट विल बी गिवन फ्रॉम PMGKY। अगर सिर्फ प्रधानमंत्री इसी के लिए, इस योजना के लिए ही एलिजिबल है, तो फिर तो दोनों का, एम्प्लॉयर का भी शेयर और एम्प्लॉय का भी शेयर, दोनों ही इसी स्कीम से उसको क्रेडिट किया जाएगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब। सी था।